गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू. टुडे आई एम डिस्क्राइबिंग अबाउट बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर प्रैक्टिकल टू डिटरमाइन एसे एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ गिवन कंपाउंड अमोनियम क्लोराइड बाय एसिड बेस्ड टाइट्रेशन. ठीक है, इसका अमोनियम क्लोराइड का क्या करना है, एसे करना है. एसे करने के बाद इसका क्या करना है, टाइट्रेशन करना है. ठीक है, इसके लिए हमको क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगा, अमोनियम क्लोराइड, फॉर्मेल्डिहाइड, फिनोप्थेलिन, सोडियम हाइड्रोक्साइड, वाटर, पिपेट, कॉनिकल फ्लास्क, बीकर, ये सब का रिक्वायरमेंट रहेगा. ठीक है, इसके लिए हमको क्या प्रोसीजर क्या लेना है, 0.1 ग्राम आपको अमोनियम क्लोराइड लेना है. ठीक है, और 20 ml वाटर कॉनिकल फ्लास्क में ले लेना है या बीकर में. फिर 5 ml ऑफ उसमें फॉर्मेल्डिहाइड मिक्स करना है प्रॉपरली, और उसके बाद न्यूट्रलाइज करना है डाइल्यूट फिनोप्थेलिन सॉल्यूशन के साथ, और 20 ml वाटर ऐड करना है. फिर उस सॉल्यूशन को एज इट इज़ 2 मिनट रखना है. फिर 1.1 mol सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ उसको टाइट्रेट करना है 0.2 ml डाइल्यूट फिनोप्थेलिन सॉल्यूशन डालकर. ठीक है, रिएक्शन कैसे रहेगा इसका, पहले अमोनियम क्लोराइड है उसमें क्या डाल रहे हैं, हम वाटर डाल रहे हैं. ठीक है, उसके साथ रिएक्ट करेगा NH4OH हो जाएगा. NH4OH फिर फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करके यूरोट्रोपिन बनाएगा. ठीक है, और फिर इसका जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है लास्ट में सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ सोडियम क्लोराइड बनाएगा. कैलकुलेशन है इसका, 1 mol ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू 1 mol ऑफ अमोनियम क्लोराइड. क्यों इसका कर रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, द अमोनियम क्लोराइड इज अ एसिड. ठीक है, तो 1000 ml का 1 ml 1 molar सोडियम हाइड्रोक्साइड करेंगे तो कितना है इसका मॉलिकुलर वेट, कितना आएगा अमोनियम क्लोराइड का 53.5 ग्राम. फिर अगर इसका हम 1 ml करेंगे 0.1 molar सोडियम हाइड्रोक्साइड तो इसका हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1000. 53.5 ग्राम को डिवाइडेड बाई 1000 करेंगे तो 0.00539 ग्राम हो जाएगा. ठीक है, ये इसका कैलकुलेशन है. अब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे. वीडियो ये सैंपल है अमोनियम क्लोराइड का, इसको हम 0.1 ग्राम लेंगे. ठीक है, कॉनिकल फ्लास्क में लेंगे हम इसमें. ठीक है, ये कॉनिकल फ्लास्क है. ठीक है, इसमें हम लेंगे, इसमें 20 ml वाटर है. फिर इसमें 5 ml फॉर्मेल्डिहाइड करके मिक्स करना है, और ये सब हुआ है पहले से ही. ठीक है, और इसके बाद इसको डाइल्यूटेड करना है फिनोप्थेलिन इसमें डाल के 20 ml वाटर को फिर और ऐड करना है. ठीक है, बीकर में. और ये क्या है आपका इसमें ब्यूरेट में आपको क्या करना है, इसको 0.1 molar सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डालना है. ठीक है, तो इसमें ये ब्यूरेट में हमने क्या डाला है, 0.1 molar सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना है. ठीक है, और उसके बाद इसमें क्या करना है, डाइल्यूट फिनोप्थेलिन डालना, कितना 0.2 ml वो मिला हुआ है इसमें. उसके बाद इसको क्या करना है, टाइट्रेट करना है. ठीक है, नीचे का जो अमोनियम क्लोराइड है इसके साथ आपको टाइट्रेट करना है. कब तक, जब तक इसमें पिंक कलर प्रोड्यूस ना हो जाए. ठीक है, ये आपका प्रैक्टिकल है. ठीक है, इसका ऐसे हम कैलकुलेशन किए थे कैसे करना है, 1 mol ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड रहेगा, 1 mol ऑफ आपका अमोनियम क्लोराइड. ठीक है, 1000 ml ऑफ 1 molar सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो 53.5 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड. 1 molar अगर कर रहे हैं तो 0.1 molar हो जाएगा, इधर 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.05349 ग्राम.